हेलो बच्चों, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हम चैप्टर पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने संज्ञा और सर्वनाम की पढ़ाई की थी, मतलब संज्ञा और सर्वनाम के बारे में हमने जाना था। तो आज हम विशेषण के बारे में जानेंगे। तो चलिए विशेषण स्टार्ट करते हैं पढ़ना। विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि संज्ञा किसे कहते हैं, यानी कि और सर्वनाम किसे कहते हैं। तो हमने संज्ञा और सर्वनाम तो पिछले वीडियो में पढ़े, लेकिन संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उन शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। जैसे आम मीठा है, तो आम यहाँ पर क्या है, संज्ञा है, और मीठा मीठा है विशेषण, यानी कि संज्ञा है आम और संज्ञा की जो विशेषता बता रहा है कि आम मीठा है, तो ये जो विशेषता बताता है कि मीठा है, तो आम मीठा है, ये विशेषण है। हरी पत्तियाँ तोड़कर लाओ, अब इसमें विशेषण क्या है, हरी यानी पत्तियाँ क्या है, संज्ञा है, और हरी विशेषण है, यानी पत्तियों की जो विशेषता है क्या है कि पत्तियाँ हरी है, तो जो हरी शब्द है वो विशेषण है। शिवाजी वीर पुरुष थे, तो यहाँ पे जो शिवाजी है वो संज्ञा है, और वीर पुरुष थे, तो जो यहाँ पे शिवाजी की जो वीरता है तो वो विशेषण है, यानी कि वीर जो है वो विशेषता है शिवाजी की, तो यहाँ पे वीर शब्द विशेषण हुआ। वह मेहनती लड़का है, अब देखिए यहाँ पे सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, वह यानी कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द काम आते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं, तो यहाँ पे सर्वनाम क्या है, वह है, मेहनती लड़का है। अब यहाँ पे इस लड़के की विशेषता क्या है कि वह मेहनती है, तो यहाँ पे विशेषण क्या हुआ, मेहनती, यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, यानी कि विशेषण किसे, विशेषण शब्द क्या है, यानी जिस संज्ञा यह सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। जैसे विशेषण क्या है, सुंदर, तो सुंदर विशेषण है, तो विशेष्य क्या हुआ, बच्चा, यानी कि बच्चा सुंदर है, तो सुंदर विशेषण और विशेष्य बच्चा, यानी बच्चे के बारे में बात की गई है कि बच्चा सुंदर है। हरा पेड़, अब यहाँ पे हरा है विशेषण, अब पेड़ क्या है, हरा, तो पेड़ जो है वो है विशेष्य। गरम चाय, तो गरम जो है वो विशेषण है, और चाय क्या है, गरम, तो चाय यहाँ पर विशेष्य है। वीर राजा, यहाँ पे वीर है विशेषण, अब राजा कौन हुआ, विशेष्य, यानी विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण का प्रयोग वाक्य में विशेष्य से पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है, यानी कि विशेषण का प्रयोग वाक्य में विशेष्य से पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। कैसे, जैसे यह दृश्य सुंदर है, तो यहाँ पे जो विशेषण है सुंदर, यानी विशेषण विशेष्य के बाद में आ रहा है, यहाँ पे विशेषण विशेष्य क्या है, दृश्य, यानी कि वह बाद में आ रहा है, इसके सुंदर है। अब दूसरे एग्जाम्पल में कितना सुंदर दृश्य है, यहाँ पे विशेष्य पहले आ रहा है विशेषण से, तो यह यानी कि विशेषण का प्रयोग वाक्य के पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है, जैसे हमने उदाहरण में देखा। अब हम आगे विशेषण के प्रकार के बारे में जानेंगे कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो विशेषण के चार भेद होते हैं, कौन कौन से, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। एक एक करके हम इन विशेषण के बारे में जानेंगे, इनकी परिभाषा पढ़ेंगे और इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम गुणवाचक विशेषण देखते हैं। इसकी डेफिनेशन होगी, इसकी परिभाषा होगी, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, स्वभाव, दशा, स्थिति, अवस्था आदि के बारे में बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के दोषों के बारे में, उनके गुणों के बारे में, आकार के बारे में बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गुण क्या है, जैसे गुण है अच्छा,
सुंदर, सच्चा, दयालु, ये तो हुए गुण। और अवगुण क्या है? अवगुण होते हैं बुरा, कुरूप, झूठा, निर्दय, स्वार्थी आदि। तो ये सब गुण और अवगुण हैं, तो ये गुणवाचक विशेषण में आएंगे। जैसे उदाहरण के लिए आप देखेंगे कि वह भला आदमी है। अब वह भला आदमी है यानी कि वो भला है, तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण हुआ भला। हरि दुष्ट लड़का है, अब यहाँ पे अवगुण का प्रयोग किया गया है, हरि दुष्ट लड़का है, तो यहाँ पे जो दुष्ट है वह गुणवाचक विशेषण है। स्वार्थी लोग काला बाजारी करते हैं, यहाँ पे स्वार्थी जो है वो अवगुण है, तो ये भी गुणवाचक विशेषण में आएगा। सोहन सदाचारी लड़का है, अब सोहन क्या है? सदाचारी यानी कि सच्चा, तो वो गुणवाचक विशेषण है। मास्टर जी सांवले हैं, तो मास्टर जी के गुण क्या हैं? कि वो सांवले हैं, तो ये भी गुणवाचक विशेषण में आएगी। पत्रिका में प्रकाशित कहानियाँ मनोरंजक है, तो ये भी गुणवाचक विशेषण में आएंगे। अब गुणवाचक विशेषण के भी प्रकार होते हैं, तो हम गुणवाचक विशेषण के प्रकारों के बारे में जानेंगे कि इसके कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हैं गुण बताने वाले शब्द। गुण बताने वाले शब्द हैं चतुर, धार्मिक, सुंदर, अच्छा, विनम्र, नेक आदि, ये सब गुण बताने वाले शब्द हैं। अब अवगुण बताने वाले शब्द मूर्ख, निर्दय, कुरूप, बुरा, बेकार, स्वार्थी, क्रोधी, झूठा, पापी, खराब आदि, ये सब क्या होते हैं? अवगुण हैं, तो ये गुणवाचक विशेषण के प्रकार में आते हैं। अब तीसरा है रंग बताने वाले शब्द। तो रंग बताने वाले शब्द कौन से होते हैं? लाल, नीला, पीला, गोरा, काला, खाकी, धानी, सतरंगी, रंग बिरंगा आदि, ये सब रंग बताने वाले शब्द हैं, तो भी ये गुणवाचक विशेषण के प्रकार में आते हैं। अब चौथा है काल या समय बोधक शब्द। इसमें दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, वार्षिक, नया, पुराना, प्राचीन, नवीन, क्षणिक आदि, ये सब काल या समय बोधक शब्द कहलाते हैं। देश या स्थान बताने वाले शब्द। अब देश या स्थान बताने वाले शब्द कौन कौन से हैं? स्थानीय, देशी, विदेशी, जयपुरी, पंजाबी, कश्मीरी, भारतीय, चीनी, रूसी, जापानी, लौकिक आदि, ये जो स्थान है, ये जो देश या स्थान बताने वाले शब्द हैं। अब आगे हैं दिशा बताने वाले शब्द। अब दिशा बताने वाले शब्द कौन कौन से हैं? पूर्वी, उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी, भीतरी, बाहरी, ऊपरी, निचला आदि, ये शब्द दिशा बताने वाले शब्द हैं, यानी पूर्व में, उत्तर में, पश्चिम में, दक्षिण में, भीतर यानी अंदर, बाहरी यानी बाहर, ऊपरी यानी ऊपर, निचला यानी नीचे, ये सब दिशा बताने वाले शब्द हैं। सातवां है आकार बताने वाले शब्द। अब आकार किस तरह के होते हैं? मोटा, पतला, दुबला, लंबा, चौड़ा, गोल, चौकोर, तिकोना, बोना, बेलनाकार, अंडाकार, जो आदि जो आकार बताने वाले शब्द हैं, ये गुणवाचक विशेषण के प्रकार में आते हैं। आठवां है दशा, स्थिति या अवस्था बताने वाले शब्द। जैसे शिशु, युवा, किशोर, वृद्ध, प्रौढ़। ख है स्वस्थ, अस्वस्थ, निरोग, रोगी, भला चंगा, प्रसन्न, दुर्बल, सूखा, शुष्क, गीला, आद्रि, यानी कि ये दशा और स्थिति या अवस्था बताने वाले शब्द हैं, तो ये भी गुणवाचक विशेषण के ही प्रकार में आते हैं। स्पर्श बोधक शब्द। अब स्पर्श बोधक शब्द में कौन कौन से शब्द आते हैं? कोमल, ठंडा, कठोर, गर्म, खुरदरा, सख्त, नर्म, मुलायम, मखमली आदि, ये शब्द स्पर्श बोधक शब्द में आते हैं। अब स्वाद बोधक शब्द, इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? मीठा, नमकीन, जिससे हम टेस्ट लेते हैं, स्वाद लेते हैं, तो मीठा, नमकीन, चटपटा, खट्टा, कड़वा, कट्टू, तीखा, कसेला, ये आदि शब्द जो हैं, ये स्वाद बोधक शब्द हैं। इनसे हम स्वाद लेते हैं तो पता चलता है कि मीठा है या नमकीन है, चटपटा है या खट्टा है, कड़वा है या कट्टू है,
तीखा है या कसेला है। तो आदि शब्द जो है वो स्वादबोधक शब्द हैं। गंध बताने वाले शब्द, अब गंध बताने वाले शब्द यानी सुगंधित यानी खुशबू, दुर्गंधित, खुशबूदार, बदबूदार, ये सब गंध बताने वाले शब्द हैं। तो ये सारे जो है वो गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं। आगे हम विशेषण में संख्यावाचक विशेषण के बारे में जानेंगे कि संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण की हम पहले परिभाषा देखेंगे। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में बताते हैं उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी वो विशेषण होते हैं जो सर्वनाम या संख्या की, सर्वनाम या संज्ञा की संख्या के बारे में बताते हैं। जैसे एक, दो, चार, पहला, पांचवा, आधा, दोनों, तीनों, चारों, दुगुना, तिगुना, सैकड़ों, असंख्य आदि, ये सब संख्या बताने वाले शब्द हैं। तो ये संख्यावाचक विशेषण में आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम देखेंगे भारतीय टीम ने 100 रन बनाए, तो 100 जो है वो क्या है, संख्या है, तो ये संख्यावाचक विशेषण में कहलाएंगे। कक्षा में 20 बच्चे हैं, तो यानी बच्चे कितने हैं, 20 है, ये निश्चित संख्या है, यानी कि 20 बच्चे हैं, तो ये संख्यावाचक विशेषण में आएंगे। तुम दोनों गाना गाओ, अब यहाँ पे जो दोनों शब्द है वो संख्या बता रहा है कि तुम दोनों गाना गाओ, तो ये संख्यावाचक विशेषण में आएंगे। मुझे आधी रोटी दो, तो ये भी संख्यावाचक विशेषण है। अब संख्यावाचक विशेषण के भी दो प्रकार होते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण के दो प्रकार कौन कौन से होते हैं, एक होता है निश्चित संख्यावाचक, दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। अब निश्चित संख्यावाचक किसे कहते हैं, जिसमें निश्चित संख्या का बोध किया जाता है उसे निश्चित संख्यावाचक कहते हैं, और अनिश्चित में किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं। अब निश्चित संख्यावाचक में कौन कौन से होते हैं, जैसे पहला है गणना यानी कि गिनती वाचक, तो इसमें गणना की जाती है, एक, दो, तीन, हज़ार, डेढ़, ढाई, आधा आदि, ये सब गणना की जा रही है यानी कि गिनती की जा रही है। दूसरा है क्रमवाचक, क्रमवाचक में होते हैं क्रम से, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, छठा, आठवा, पच्चीसवा आदि, तो इसमें क्रम से बताया जा रहा है। तीसरा है प्रत्येक बोधक या पार्थक्य वाचक, तो इसमें होता है जैसे प्रत्येक, हर एक, एक एक, हर दूसरे, हर तीसरे आदि, ये जो निश्चित संख्यावाचक में आते हैं। अब समुदायवाचक यानी समुदाय यानी कि समूह है, जैसे कि दोनों, तीनों, चारों, पांचों आदि, यानी कि ये समूह में बताए जा रहे हैं। अब पांचवा है आवृत्तिवाचक, अब आवृत्तिवाचक में होते हैं दुगुना, दो गुना, तीन गुना, तिगुना आदि, ये सब आवृत्तिवाचक संख्या है, तो ये निश्चित संख्या में आते हैं। अब अनिश्चित संख्या में क्या है, किसी निश्चित संख्या की ओर इशारा नहीं करते हैं, कोई चीज़ निश्चित नहीं होती है, इसकी कोई गणना नहीं होती है, कोई गिनती नहीं होती है, जैसे कुछ, अनेक, अनेक में भी कई हो सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है, इसकी कोई निश्चित संख्या नहीं है, असंख्य, अनगिनत आदि, जैसे कुछ आदमी, तो यहाँ पे जो कुछ है वो कुछ कितने भी हो सकते हैं, अनेक यात्री, अनेक में बहुत सारे यात्री आ गए, इसकी कोई गिनती नहीं है, कोई से इसकी गिनती नहीं है, अनेक है यानी कि बहुत सारे हैं, इसकी कोई गिनती नहीं है, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक में आते हैं। अब तीसरा हम देखेंगे परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। किसी वस्तु की मात्रा या माप तोल बताने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु की जो मात्रा होती है या उसको माप तोल करके जो बताते हैं हम, उन शब्दों को हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे परिमाण यानी माप तोल, जैसे किलोमीटर, मीटर, बीघा, लीटर आदि, यानी कि ये तोला जा रहा है, माप तोल की जा रही है। जैसे 2 किलो नमक, अब यहाँ पे नमक कितना है, 2 किलो, यानी जो 2 किलो है ये परिमाणवाचक विशेषण है। 4 मीटर कपड़ा, तो यहाँ पे 4 मीटर, तो यहाँ पे 4 मीटर जो है वो परिमाणवाचक विशेषण है। 1.5 लीटर दूध, अब यहाँ पे लीटर में बात की जा रही है, दूध 1.5 लीटर है, तो ये भी परिमाणवाचक विशेषण है। 2 बीघा ज़मीन,
अब यहाँ पे जमीन के बारे में बात की जा रही है कि जमीन कितनी है, 2 बीघा। तो यहाँ पे 2 बीघा है, यानी कि इसकी इसकी माप तोल की जा रही है कि ये 2 बीघा है। तो यहाँ पे ये भी परिमाणवाचक विशेषण है। 100 ग्राम हल्दी, तो 100 ग्राम जो हल्दी है वो भी परिमाणवाचक विशेषण है। यानी ये समझ में आ गया होगा कि परिमाण किसे कहते हैं, यानी किसी भी वस्तु की जो मात्रा होती है या हम उसे माप तोल करके जो बताते हैं उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 प्रकार होते हैं, एक तो होता है निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। अब निश्चित परिमाणवाचक किसे कहते हैं, जहाँ निश्चित परिमाण का पता चलता है, जैसे 2 किलो, 4 मीटर, 1.5 लीटर, 100 ग्राम आदि। तो यहाँ पे एक निश्चित परिमाण का पता चलता है तो उसे हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अनिश्चित परिमाण में जहाँ निश्चित परिमाण का पता नहीं चलता है, यहाँ पे पता नहीं चलता है, जैसे कुछ, थोड़ा, ज़रा आदि, जैसे थोड़ा पानी देना, इसमें कोई ये पता नहीं है कि इसमें थोड़ा यानी कितना है, इसकी कोई क्वांटिटी नहीं है कि कितना पानी है। ज़रा सा नमक डालो, अब ज़रा सा इसकी भी कोई वो नहीं है, निश्चित नहीं है कि कितना इसमें नमक डालना है, यानी कि ज़रा सा, ये कोई लीटर में नहीं है, किलोमीटर में नहीं है, किलो में नहीं है। शिमला में बहुत ठंड है, बहुत ठंड पड़ रही है, तो यहाँ पे जो बहुत है वो भी अनिश्चित परिमाण है, यानी कि इसमें जहाँ पे निश्चित परिमाण का पता नहीं चलता है उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब चौथा हम देखेंगे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो इसकी हम पहले परिभाषा देखते हैं, किसे कहते हैं ये, जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। इन्हें संकेतवाचक या निर्देशक विशेषण भी कहते हैं, जैसे यह, वह, इस, उस आदि। यानी कि जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में भी प्रयोग होते हैं उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि यह गीता, यह गीत किसने लिखा है, तो यहाँ पे ये यह है, ये सर्वनाम भी है और ये सार्वनामिक विशेषण भी है। इस थाली में परोसो, तो यहाँ पे ये जो इस है तो ये भी संकेतवाचक विशेषण है। यह सूटकेस मेरा है, वह सूटकेस आपका है, तो यहाँ पे दे रखा है यह और वह, यह भी संकेतवाचक विशेषण में ही आते हैं। अब जैसे अभ्यास वाक्य, प्राचीन काल में एक लालची राजा था, तो यहाँ पे क्या है, गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक है और गुणवाचक। हमारी घर दूसरी मंजिल पर है, दूसरी पर यानी कि यह फिक्स है, तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। आज़ादी की लड़ाई में असंख्य वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तो यहाँ पे असंख्य यानी कि उनकी गिनती नहीं है, असंख्य वीरों ने, तो यह निश्चित अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। भैया को थोड़ी सब्जी देना, तो यहाँ पे जो थोड़ी है तो इसका भी हमें पता नहीं चल रहा है, तो ये भी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। बाजार जाकर 2 किलो चावल ले आओ, अब यहाँ पे 2 किलो की बात की है कि 2 किलो चावल लाने हैं, तो ये भी यहाँ पे निश्चित है कि 2 किलो ही लाने हैं, तो ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। गंदा पानी मत पियो, यहाँ पे जो पानी कैसा है, गंदा, तो यहाँ पे गुण है यानी कि ये गुणवाचक विशेषण है। प्रत्येक छात्र को 100 रुपये जमा करवाने हैं, अब यहाँ पे क्या है, 100 रुपये, यानी कि यहाँ पे गिनती की जा रही है यहाँ पे कि 100 रुपये हमें जमा करवाने हैं, तो ये संख्या बताई जा रही है इसमें, तो ये संख्यावाचक विशेषण है। भाषा स्वाभाविक व सरल है, तो यहाँ पे भी गुण बताए जा रहे हैं कि भाषा कैसी है, स्वाभाविक है और सरल है, तो ये गुणवाचक विशेषण है। हारने पर 3 गुना लगान देना पड़ेगा, तो यहाँ पर 3 गुना यानी कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। नुकीले पत्थर पर पेड़ पड़ने से वह घायल हो गया, तो नुकीला है और वह घायल हो गया, तो यहाँ पे गुण के बारे में बताया जा रहा है, तो ये गुणवाचक विशेषण है। यह कुल्हाड़ी मेरी है, तो यहाँ पे यह जो है वह सार्वनामिक विशेषण है।
तो बच्चों हमने ये विशेषण हमने पढ़ा। आगे हम देखते हैं विशेषण, यानी कि कुछ संज्ञा शब्दों में प्रत्येक प्रत्यय लगाने से विशेषण बनते हैं और कुछ संज्ञाओं में प्रत्यय हटाने से भी विशेषण बनते हैं। जैसे प्रत्यय लगाने से कौन सा बनेगा, जैसे रोग है, रोग तो संज्ञा है। अब यहाँ पे विशेषण कैसे बनाएंगे, ई प्रत्यय लगाकर, यानी कि प्रत्यय लगाने से विशेषण बनते हैं। जैसे हमने ई इसमें प्रत्यय लगाया तो ये हो गया रोगी, तो ये हो गया इसकी विशेषता हो गई रोग की, तो ये हुआ विशेषण। अब यहाँ पे संज्ञा है लोभ, अब इसमें प्रत्यय लगाने से कैसे बनेगा, यानी कि ई प्रत्यय लगाएंगे तो ये बन गया लोभी। विरोध, यहाँ पे विरोध है संज्ञा, तो यहाँ पे संज्ञा में ई प्रत्यय लगाएंगे तो ये बन जाएगा विरोधी, यानी कि इसकी ये विशेषता हो गई विरोधी। पराक्रम संज्ञा है, अब इसमें हम ई प्रत्यय जोड़कर इसे बनाएंगे पराक्रमी। स्वाभिमान, स्वाभिमान एक संज्ञा है, अब स्वाभिमानी, यानी कि हमने इसमें ई प्रत्यय लगाया तो ये विशेषण बना स्वाभिमानी, तो यानी कि प्रत्यय लगाने से विशेषण बने। अब हमें प्रत्यय हटाने से भी संज्ञा बनती हैं, कैसे, जैसे अमीरी, अब अमीरी में ई प्रत्यय लगा हुआ है तो हम इसको संज्ञा कैसे बनाएंगे, ई प्रत्यय को हटाकर संज्ञा बनाएंगे, यानी जैसे ई प्रत्यय हटाया तो ये हो गया अमीर। इसमें ये प्रत्यय लगाने से लिखा हुआ है तो ये यहाँ पर होगा प्रत्यय हटाने से संज्ञा बनाए, तो यहाँ पे प्रत्यय हटाकर संज्ञा बना रहे हैं तो यहाँ पे ई, यानी कि अमीरी में ई हटाकर हमने अमीर बनाया, यानी कि हमने संज्ञा बनाई। गरीबी, गरीबी यानी विशेषण है, अब इसमें से हम ई प्रत्यय को हटाएंगे तो हम संज्ञा बनेगी गरीब। नेक्स्ट है चतुराई, चतुराई में चतुराई एक विशेषण है, अब इसमें हम प्रत्यय हटाएंगे आई तो ये हो गया चतुर, तो ये हो गई एक संज्ञा। सुंदरता, सुंदरता भी एक विशेषण है, यानी कि इसमें विशेषता बताई है तो इसमें ता प्रत्यय लगा हुआ है तो ये हो गई इसका, इसको संज्ञा बनाएंगे हम सुंदर, ता प्रत्यय हटाया तो ये हुआ सुंदर। आगे देखते हैं, ध्यान से ध्यान रखिए, कुछ विशेषण विकारी होते हैं और कुछ अविकारी होते हैं। जैसे विकारी कौन से होते हैं, अच्छा, बुरा, काला, हरा, छोटा, बड़ा आदि, ये सब क्या हैं, विकारी शब्द हैं। अविकारी कौन से हैं, जैसे सुंदर, अमीर, भीतर, बाहरी, टिकाऊ, चतुर आदि, ये सब क्या हैं, अविकारी शब्द हैं। अब विकारी शब्द के हम उदाहरण देखते हैं, राम अच्छा लड़का है तो यहाँ पे अच्छा जो है वो विकारी है। सीता अच्छी लड़की है तो यहाँ पे सीता क्या है, अच्छी लड़की है, तो यहाँ पे अच्छी जो है वो विकारी शब्द है। वे बड़े आदमी हैं तो यहाँ पे बड़े हैं, यानी कि वो विकारी शब्द में है तो ये भी विशेषण विकारी है। वह बड़ी लेखिका है, अब यहाँ पे बड़ी है यानी कि ये विकारी शब्द में, विकारी विशेषण में आएंगे। अब अविकारी शब्द कौन से होते हैं, अविकारी विशेषण में, जैसे राम धनवान है तो यहाँ पे जो धनवान है वह अविकारी शब्द, अविकारी विशेषण है। वे धनवान है तो ये जो धनवान है ये भी अविकारी विशेषण में है। बच्चा सुंदर है, साड़ी सुंदर है तो यहाँ पे जो दोनों है सुंदर तो ये भी अविकारी विशेषण है। अब प्रविशेषण किसे कहते हैं, हमने विशेषण पढ़ा, विशेषण के प्रकार के बारे में हमने जाना कि सबके कितने प्रकार होते हैं, और अब हम प्रविशेषण पढ़ेंगे कि प्रविशेषण किसे कहते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पे विशेषण कौन कौन सा होता है, थोड़ा, छोटा, तो छोटा जो है ये विशेषण है, अधिक, लंबा, तो ये लंबा है ये विशेषण है, बहुत सुंदर, तो यहाँ पे सुंदर है ये भी विशेषण है, अत्यधिक सुरीला, तो यहाँ पे सुरीला जो है वो भी विशेषण है। तो हमने पहले विशेषण के बारे में पढ़ा तो ये विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे आम बहुत रसीला है तो यहाँ पे रसीला जो है वो तो विशेषण है, तो बहुत रसीला है यानी कि बहुत ज़्यादा रसीला है तो ये प्रविशेषण कहलाएगा। वह बहुत अच्छा बच्चा है तो यहाँ पे अच्छा है जो क्या है, बच्चे की विशेषता है कि यह अच्छा है तो यहाँ पे बहुत लगा हुआ है यानी कि बहुत अच्छा है तो ये प्रविशेषण है।
तो आम बहुत रसीला है, तो इसमें जो बहुत है यानी कि रसीला तो विशेषण है, और यहाँ पे बहुत क्या है, प्रविशेषण। वह बहुत अच्छा बच्चा है, तो यहाँ पे अच्छा क्या है, विशेषण, और बहुत क्या है, प्रविशेषण। मैं ठीक 4 बजे पहुँच जाऊँगा, तो यहाँ पे 4 बजे तो ये विशेषता है, विशेषण है, और ठीक 4 तो ये क्या हुआ, प्रविशेषण। वह थोड़ा शर्मीला है, तो यहाँ पे शर्मीला है जो विशेषण है, और थोड़ा वह जो है वह प्रविशेषण है। तो अब हमने ऊपर देखा थोड़ा छोटा, तो यहाँ पे जो रेड मार्क वाले हैं ये तो विशेषण है, और यहाँ पे आगे लगे हुए हैं थोड़ा, अधिक, बहुत, अत्यधिक, ये सब क्या है, प्रविशेषण है। आगे विशेषण का चैप्टर हमने पढ़ा, तो यह आपको समझ में आया होगा। अब आपको हम अगले वीडियो में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।